सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 के हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज आप सभी को सेकंड टर्म सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए व्याकरण आनंद से पाठ 14 आओ जाने तथा पाठ 15 चित्र कथा पढ़ना तथा लिखना कराया जाएगा। बच्चों, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिनों के क्या नाम है? दिनों का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार है। आगे बोर्ड पर ध्यान दें। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? दिनों के नाम बताएं। एक सप्ताह में सात दिन होते हैं। दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? महीनों के नाम लिखें। उत्तर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बच्चों, अक्टूबर को अक्टूबर भी बोलते हैं और अक्टूबर भी बोलते हैं। नवंबर, दिसंबर। चित्र देखकर कहानी लिखें। बच्चों, चित्रों की सहायता से कहानी लिखना है। पहला चित्र। दो दोस्त हैं। एक का नाम मोहन है, दूसरे का नाम सोहन है। वे दोनों पक्के दोस्त हैं। वे मेला देखने जा रहे हैं। दूसरा चित्र में रास्ते में जंगल था। जंगल में सामने से भालू आ रहा है। भालू को देखकर मोहन डर से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन सोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। सोहन भालू के डर से जमीन पर सो गया। भालू आया और सूंघ कर चला गया। पांचवें चित्र में सोहन ने मोहन से कहा,
कि सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। बच्चों फिर से ध्यान देंगे, चित्र देखकर कहानी लिखें। पहला चित्र, मोहन और सोहन पक्के दोस्त थे। मोहन और सोहन दोनों पक्के दोस्त थे, वे मेला देखने जा रहे थे। दूसरा चित्र, रास्ते में जंगल था, सामने से एक भालू आ रहा था। बच्चों सामने से एक भालू आ रहा था। तीसरा चित्र, मोहन झट से पेड़ पर चढ़ गया, सोहन को चढ़ना नहीं आता था। बच्चों तीसरा चित्र में भालू के डर से मोहन पेड़ पर चढ़ गया और सोहन को चढ़ना नहीं आता था। चौथा चित्र, सोहन सांस रोककर जमीन पर लेटा रहा, भालू ने सोहन को सूंघा। पांचवें चित्र में मोहन ने सोहन से कहा कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्चों विद्यालय के वेबसाइट से देखकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।